नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों आज की जो वीडियो है यह जीएम पावर पर है। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैं जो है इस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं, आप लोगों के लिए आवाज उठाऊं। कुछ बच्चों ने बोला छोटे चैनल पे आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा, बड़े चैनल पे आवाज उठाइए। पूरी कोशिश करूंगा कि वहां पर भी आप लोगों के लिए मैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगा के वीडियो बना सकूं, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग यहाँ पर भी दे देते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर बनाऊंगा तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। वहां पर ऐसे बच्चे आ जाएंगे जो नॉन सीसीएस वाले हैं, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। अब सबसे बड़ी बात आप जानते हैं कितनी बड़ी संख्या में अभी सदर्न रेलवे का रिसेंटली आप लोगों के सामने प्रोटेस्ट आया था, बड़ी संख्या में वहां पे प्रोटेस्ट हुआ था और लाठीचार्ज भी आप लोगों को पता है किया गया था डिपार्टमेंट्स के जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा, जो पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा, इसके बारे में भली भांति आप लोग जानते हो। अब मेरे पास एक ही चीज बार बार आ रही है कि सर जी हम क्या करें, ये जो जीएम पावर है इसका समायोजन हम सीसीस वाले बच्चों को रेलवे में मिलेगा भी, या बस ये जो चीज है जैसे चलती आ रही है वैसे ही चलती रहेगी? क्या कभी पॉसिबल है कि जीवन में हम सक्सेसफुल होंगे इस चीज को लेकर? सर जी हमारी उम्र निकलती जा रही है, सर जी हम परेशान है बहुत ज्यादा, हम क्या करें हमें समझ नहीं आ रहा। एक तो रेलवे हमें वैकेंसी नहीं दे रहा, दूसरा हमारे लिए सीसीज वाले बच्चों के लिए समायोजन यहाँ पर नहीं कर रहा। तो सर जी ऐसा क्या करें कि समायोजन हम लोगों को मिल जाए, क्या हम पीछे हट जाए? देखो मेरी पर्सनली सबसे पहले तो रिकमेंडेशन आप लोगों को यह है, पीछे हटने की तो आप लोगों को जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो किसी चीज से आप लोग पीछे हट गए तो ऑब्वियस है कि वो पूरा का पूरा नेगेटिव वे में चले जाएगा, आपको उसका जवाब ही नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि डिपार्टमेंट उस पर कुछ भी आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं करेगा। दूसरा अगर पॉजिटिव वे की बात करें तो आप लोग आवाज उठा रहे हो, पूरी संभावना है कि डिपार्टमेंट उसको आपको जो है हाँ या ना में जवाब दे, और हाँ की पॉसिबिलिटी वो आप लोग भली बातें जानते हैं कितनी है और कितनी नहीं है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जहां जहां पर आप लोगों को प्रोटेस्ट दिखता है ऑनलाइन ट्विटर के माध्यम से या किसी पेज पर चल रहा है उसके माध्यम से, किसी प्लेटफॉर्म पे चल रहा है उसके माध्यम से, उसमें जी तोड़ बढ़कर साथ दीजिए। हो सकता है कि इलेक्शन से पहले इसका जवाब आपको रेलवे अपनी साइड से दे दे। अभी रेलवे की तरफ जो है जो सदर्न रेलवे वाले हैं उन्होंने भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट शेयर किए, तो रेलवे ने उसका जवाब अभी आप लोग जानते हैं दिया नहीं है, हो सकता है कि वहां से जवाब आप लोगों के पास आ जाए। अपनी आस को आप लोग बरकरार रखें और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे बच्चों से जो बच्चे नॉन अप्रेंटिस वाले हैं या अदर डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस वाले हैं, वो भी इस चीज में बढ़ चढ़कर इनका साथ दीजिए। रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि आगे चल के अगर आईटीआई वाले बच्चों पर किसी भी प्रकार की गाज गिरती है तो ये जो आप लोगों के सीसीएस वाले बच्चे हैं ना, ये हमेशा से आप लोगों का साथ देने के लिए आगे खड़े रहेंगे। सो मैं यही आप लोगों को बोलूंगा, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि सर जी हम अपनी स्टडी में लग जाए क्या, हम सीसीएस के मुद्दे से पीछे हट जाए क्या? देखो भाई सीसीएस का मुद्दा आप लोग जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको डेली बेसिस पे वहां पे जाना है। मैं यही बोलूंगा आप जो इश्यूज आप लोगों के चल रहे हैं, जो प्रोटेस्ट आप लोगों के ऑनलाइन चल रहे हैं, इसमें जी तोड़ आप लोग जो है साथ दीजिए इनका, सीसीएस वाले बच्चों का, और पीछे हटने की इससे जरूरत नहीं है। लेकिन जो आप लोगों की स्टडी है उस पर अपना 100% आप दे के चलिए, क्योंकि स्टडी आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की आगे चल के काम आएगी। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है, जहां पर भी ऑनलाइन प्रोटेस्ट दिखता है उसमें आप लोग जी तोड़ अपना जो है साथ दीजिए और इनका जो है यहाँ पर पूरे तरीके से यहाँ पर साथ दीजिए। ऐसा नहीं कि पीछे हट जाओगे तो आप लोगों को आउटपुट मिलेगा, पीछे हटोगे तो ये आउटपुट जितनी मेहनत आपने यहाँ पहुंचने तक की है ना, जितनी आवाज आप लोगों की आगे पहुंची है, जितने ट्रेंड आप लोगों के आगे पहुंचे हैं, वो पूरे के पूरे आप लोगों के गड्ढे में गिर जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है जैसा अभी चल रहा है आपको जहां पे भी प्रोटेस्ट दिखता है आप प्लीज उसमें जो है इन्वॉल्व होइए, जो ऑनलाइन प्रोटेस्ट है। इसके बाद जो रेलवे के ग्रुप्स हैं आप लोग जानते हैं, टेलीग्राम पे रेलवे के दो ग्रुप्स बने हुए हैं जहां पर आप लोगों की मीटिंग्स भी होती है कभी कभी, जो इस चीज को पूरा लीड कर रहे हैं वो व्यक्ति आप लोगों की मीटिंग लेते हैं, तो उसमें बढ़ चढ़कर साथ दीजिए इनका। जिस तरीके की आप लोगों के सामने उनकी तरफ से आवाज आती है उस आवाज को सुनिए, आप लोगों को क्या क्या चीजें आगे करनी है उस चीज में देखिए कि क्या हो सकता है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को अपनी साइड से मना नहीं करूंगा कि आप लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल मत होइए, क्योंकि
जो है अगर आप शामिल नहीं होगे ना तो ये प्रोटेस्ट पूरा का पूरा ठंडा पड़ जाएगा और आप लोगों की आवाज पूरी की पूरी दब जाएगी। तो इस आवाज को और आगे बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़कर इसमें जो है इनका साथ दीजिए। अगर साथ दोगे तभी ये चीज आगे चल के सक्सेसफुल हो पाएगी। किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी बहुत ज्यादा रिग्रेसली, इसी वजह से इस वीडियो को मुझे बनाना पड़ा, अदरवाइज मैं इस टॉपिक को छेड़ता नहीं, कम्युनिटी पोस्ट में ही आप लोगों को पोस्ट डालकर देता रहता। ठीक है, अपनी स्टडी पे भी फोकस कीजिए और ये जो रेलवे के ग्रुप्स में मीटिंग चलती है अगर आपके पास समय है तो इसमें जो है आप बढ़ चढ़ कर जो है जुड़िए, क्योंकि वहां पर ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है, ऐसी बातों को रखा जाता है जिस तरीके से आगे चीजें आप लोगों को प्रोसीड करनी है। ठीक है, मैं उन व्यक्ति का अभी नाम नहीं लूंगा जो आप लोगों के लिए मीटिंग कंडक्ट करते हैं, अगर उनसे मेरी बात होती है तो डेफिनेटली फिर आगे चल के अगर वो मुझे कुछ शेयर करते हैं अपनी साइड से तो फिर जो है मैं आप लोगों के साथ पूरा बयां करूंगा बड़े वाले चैनल पे। ठीक है, अगर वो चाहेंगे तो, अगर वो नहीं चाहते तो फिर मैं जो इस टॉपिक को आगे चल के छेड़ूंगा नहीं। कम्युनिटी में भी अगर आप जो है मना करेंगे या वो व्यक्ति मुझे मना करेंगे तो कम्युनिटी में भी पोस्ट डालना मैं बंद कर दूंगा, लेकिन सारी बातें उनकी तरफ से आती है। सो अगर मेरे पास उनकी तरफ से कुछ आता है ऐसा कि मैं जो है आप लोगों के लिए आवाज उठाऊं तो डेफिनेटली जो है आप लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ करूंगा। ठीक है, पीछे भी मैंने एक लेटर आप लोगों को समझाया था कि जो सदर्न रेलवे की साइड से आया था कि क्या आप लोगों के लिए आगे बात रखी गई है, उसका बयान मैंने आप लोगों को कर दिया था। बाकी मेरी साइड से इतना ही है, मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां पे CCS वाले बच्चे कुछ जुड़े हुए हैं, अगर आपको जुड़ना है तो वहां पे आप लोग जुड़ सकते हैं। और बाकी रेलवे ग्रुप के बारे में बोलोगे तो वो भी आपको लिंक दे दूंगा, उससे भी आप लोग जुड़ जाना। ठीक है, बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, आप लोग जुड़े रहिए। कोई और मुद्दा है आप लोगों को बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर भी आप लोगों के लिए जो है इसी तरीके से कुछ ना कुछ बच्चों को जो है यहाँ पर उत्साहित करके, प्रोत्साहित करके यहाँ पर जो है आवाजें उठा सकूं। धन्यवाद।